हेलो फ्रेंड्स, आज अपने समझेंगे अबाउट डाइजेशन एंड इट टाइप्स। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डाइजेशन। डाइजेशन वुड बी चेंज ऑफ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल सिंपल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। दैट इज ट्रू। इसका मतलब है कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है सर, इनसोल्यूबल है, उसको छोटे छोटे सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, दैट वुड बी टर्म्ड एज डाइजेशन। अब डाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, एज द नेम सजेस्ट। वन इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इसका मतलब है इट वुड टेक प्लेस इनसाइड द सेल। द सेकेंड इज एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, इसका मतलब है ये सेल से बाहर कहीं पर होने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के बारे में। ये कहाँ पर होगा? ये होगा प्रोटोजोअन्स और स्पॉन्जिस में। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं सर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाला है। यहां पर क्या होगा, लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा। अब अमीबा के पास फॉल्स फूट है सूडोपोडिया। ये कहीं ना कहीं अपने फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है, उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, अपने सेल के अंदर लेके उसको फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। इसी फूड वैक्यूल के साथ लाइजोसोम्स होंगे जिसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इस फूड वैक्यूल के साथ ये कहीं ना कहीं फूड पार्टिकल को एनगल्फ करेगा, उससे फूड वैक्यूल बना लेगा। ये फूड वैक्यूल कहीं ना कहीं फ्यूज होगा विद लाइजोसोम्स। इस लाइजोसोम्स के अंदर ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब ये जैसे ही फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होगा, ये कहीं ना कहीं डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। दिस वुड बी कॉल्ड एज डाइजेस्टिव वैक्यूल। तो ये कहीं ना कहीं अपने सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स को लेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। अब उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एक एक्सक्रीटरी वैक्यूल के थ्रू अपनी सेल से बाहर छोड़ देंगे। हमारी भी हर एनिमल सेल के अंदर लाइजोसोम्स प्रेजेंट होगा, तो हमारी बॉडी में भी लाइजोसोम्स प्रेजेंट है। ये लाइजोसोम्स एक सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करेगा, बॉडी के नहीं, उसी सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करेगा। ये हो गया इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जहां पर सारा डाइजेशन उसी एक सेल के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। सिमिलरली अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो वहां पर डाइजेशन होता है एक्स्ट्रासेल्युलर, दैट इज आउटसाइड द सेल विद इन अ ल्यूमेन और अ कैनाल और अ कैविटी। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हमें पता है एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन में एक कैविटी के अंदर, एक कैनाल के अंदर, एक स्पेशलाइज टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर डाइजेशन हो रहा है, जो हमारी बॉडी में है एलिमेंट्री कैनाल में। अब अगर हम स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें सिलेंड्रेट्स में, हाइड्रा की, हाइड्रा के पास दोनों मैकेनिज्म्स है। हाइड्रा हैज बोथ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। अगर हम हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं इसके पास टेंटेकल्स है और एक ओपनिंग है, दिस वुड बी कॉल्ड एज माउथ। इस माउथ के थ्रू वो फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करेगा। ये सारी अंदर की उसके सेल्स की लाइनिंग होंगी, यहां से फूड पार्टिकल्स को वो एंगल्फ करेगा। ये बीच में पूरी कैविटी है, इसमें डाइजेशन करेगा। तो ये डाइजेशन हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर। सिमिलरली इसकी ये जो सेल्स लाइन कर रहे हैं, इन सेल्स के अंदर भी कुछ डाइजेशन होगा, देन इट वुड बी कॉल्ड एज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। हाइड्रा में दोनों केसेस होंगे, इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोथ। हमारे में इंट्रासेल्युलर कौन कर रहा है? लाइजोसोम्स कर रहा है। और हमारे में मेजरली जो डाइजेशन होगा दैट वुड बी एक्स्ट्रासेल्युलर। सिमिलरली आगे बढ़े फ्लैटवर्म्स के स्ट्रक्चर में जाएं, इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं कहीं ना कहीं। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही फ्लैटवर्म्स में, अगर हम इससे हायर सिलेंड्रेट से ऊपर वाली कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स में जाएं, तो फ्लैटवर्म्स में इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये गैस्ट्रो डाइजेशन में भी मदद कर रहा है। सिमिलरली ये यहीं पर सारे आसपास के अपने सेल्स को
फूड पार्टिकल ट्रांसपोर्ट कर देता है डाइजेशन के बाद। इसका मतलब है ये एज अ वैस्कुलर सिस्टम भी काम कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट काम करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहां पर वो कैविटी वुड बी कॉल्ड एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब अगर हम इस हाइड्रा वाले एग्जाम्पल में देखें तो सिर्फ एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग वुड सर्व एज माउथ, इंजेशन के लिए भी वही ओपनिंग सर्व करेगी और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकने के लिए भी वही एक ओपनिंग सर्व करेगी। दिस टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन वुड बी कॉल्ड एज इनकम्प्लीट, जहां पर सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है दैट वुड सर्व बोथ फॉर इंजेशन एंड फॉर एक्सक्रीशन। ह्यूमन बींग्स जैसे कि हम है, हमारे पास क्या है, माउथ है फॉर इंजेशन, सिमिलरली पूरी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगा और फीकल मैटर जो है वो एक्सक्रीट होगा वाया एनस। इसका मतलब है हमारे पास दो ओपनिंग्स है, दिस वुड बी एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट। सेपरेट ओपनिंग्स होंगी फॉर इंजेशन एंड फॉर एक्सक्रीशन। थैंक यू।